Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I have already started a poem, A Thing of Beauty by Joan Keats of class 12. I have already covered two paragraphs. If you have not watched that, then watch the link which I have given in the description box. In first video, I have told about the thing of beauties. हाउ थिंग ऑफ ब्यूटीज गिव अस हैप्पीनेस. जो थिंग ऑफ ब्यूटीज होती है, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, वो हमें किस तरीके से खुशी देती हैं एंड हाउ इट टेक्स अवे आर स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस कैसे दूर करती हैं. इन दिस वीडियो वी विल सी दैट विच आर द थिंग ऑफ ब्यूटीज विच गिव्स अस हैप्पीनेस. वो कौन कौन से थिंग्स ऑफ ब्यूटीज हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बूम. Four simple sheep and such are daffodils with the green world they live in. So what he says, that first he says that which things are there. First is the sun, second the moon. Then he told that trees, old and young, har tarike ke ped, which are grown, sprouting means grow, which are grown as a shady boon. Shady means shadow, boon means vardhan. ओके तो ये क्या है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो किस चीज़ का काम करते हैं, एक वरदान है. किस चीज़ का? छाया का वरदान है, शेड का वरदान है हमारे लिए. वाई? बिकॉज दे गिव शेड टू अस, दे गिव कम्फर्ट टू अस. अगर हम गर्मी के टाइम में अगर हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो उससे हमें आराम मिलेगा. ठीक है, तो दे नॉट ओनली गिव शेड टू अस ह्यूमन बींग्स बट दे गिव शेड इवन टू द एनिमल्स. लाइक फॉर ही हैज टेकन द एग्जाम्पल फॉर सिंपल शीप. ओके, देन ही सेज सच आर द डैफोडिल्स. डैफोडिल्स आर द फ्लावरी प्लांट्स विच आर ग्रीन विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. कहाँ पे उगते हैं? ग्रीन गार्डन्स वगैरह में, ग्रीन वर्ल्ड में उगते हैं. ठीक है, तो दे ऑल्सो स्प्रेड ब्यूटी ऑल अराउंड. वो चारों तरफ ब्यूटी स्प्रेड करते हैं जिससे कि लोगों को खुशी मिलती है. एंड देन फिफ्थ इज एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक. इसके अलावा क्या है? क्लियर रिल्स. रिल्स होती हैं स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, झरने, नदियाँ वगैरह होते हैं ना. तो अगर आप देखोगे छोटी छोटी नदियों के या झीलों के आसपास वो बुशेस वगैरह बन जाते हैं. अगर कोई उसके पीछे जाके बैठे तो उसको ठंडक महसूस होगी. कोई जानवर वगैरह वहाँ उसके पीछे बैठ जाए. कोवर्ट मीन्स द एरिया ऑफ थिक लो बुशेस. तो जो कि हमारी जो रिवर्स हैं या लेक्स वगैरह हैं उसके दोनों तरफ जो है वो छोटी छोटी सी झाड़ियाँ वगैरह जो है वो उग जाती हैं, जहाँ पे बैठने पर हमें ठंडक महसूस होती है, कूलनेस महसूस होती है. ठीक है, सो व्हाट दे डू, जो रिवर्स वगैरह हैं वो क्या करती हैं, रिल्स यानी वो छोटी स्ट्रीम्स रिवर्स वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं, दे मेक कोवर्ट बुशेस के साथ एंड इट गिव्स अ कूलनेस. ओके, गेंस द हॉर्स सीजन. किस टाइम पे? हॉर्स सीजन के टाइम पे. क्लियर हो गया यहाँ तक? आई थिंक देर इज नो डाउट अप टू हेयर. द नेक्स्ट, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम. दिस इज द सिक्स नंबर. मिड फॉरेस्ट मीन्स जंगल के बिल्कुल बीचों बीच. ब्रेक मीन्स बुशेज. ओके, स्प्रिंकलिंग मीन्स स्प्रेड. फेयर मस्क रोज मीन्स चमेली का फूल. ब्लूम मीन्स खिलना. ठीक है, तो व्हाट ही सेज दैट कि इन इन द मिड ऑफ द फॉरेस्ट सम बुशेज आर देयर विच स्प्रेड द मस्क रोज एवरीवेयर. ओके, एंड इट्स फ्रेगनेस, उसकी जो खुशबू है दैट स्प्रेड एवरीवेयर एंड इट गिव्स हैप्पीनेस टू एवरीवन. ओके, नेक्स्ट इज, दिस वाज द सिक्स्थ वन. नाउ this was the sixth one, now this is the seventh one. And such too is the grandeur of the tombs we have imagined for the mighty dead. See, now next he says that too is the grandeur. Grandeur ka matlab hota hai mahanta.
Okay, grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. Mighty, वैसे तो mighty का मतलब क्या होता है? Powerful people. But here we will say all the heroes who had sacrificed their life for their country or for the other people. ठीक है, जिसने किसी के हमारे देश के लिए जान दी है. ठीक है, ऐसे महान लोगों के लिए हम किस चीज़ की इमेजिन करते हैं? फॉर द ग्रैंड्योर. When on the doomsday hota hai the last judgment day. ठीक है, जो last judgment day होता है तो उस दिन हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि imagine करते हैं कि भगवान इन जो powerful लोग हैं, ये जो mighty people हैं, mighty people इसका मतलब only powerful people नहीं, means those people who had sacrificed their life, कि उन लोगों की जो महानता है वो ऐसे ही कायम रहे. इस चीज़ की जो हम इमेजिन करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से या कामना करते हैं, दैट ऑल्सो इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अलॉन्ग विथ दैट ओल्ड लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. इसके अलावा टेल्स मीन्स कहानियाँ, ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. कोई कहानी हमने सुनी है या हमने पढ़ी है. ठीक है, महान लोगों की, हीरोज़ की कहानियाँ, अच्छे लोगों की कहानियाँ जो मोरल देती हैं, ऐसी कहानियाँ चाहे हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं. दीज ऑल आर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हाउ मेनी आर दिस? एट. दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स एंड नाउ ही हैज़ कंपेयर्ड ऑल दीज थिंग्स. व्हाट ही हैज़ टोल्ड, दीज ऑल थिंग्स आर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heaven spring. So these all the things, eight things, are the endless fountain of immortal drink. Immortal drink का मतलब होता है अमृत. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अमृत का एक फाउंटेन है. ठीक है, एंडलेस यानी कभी भी ना ख़त्म होने वाला, विच विल नेवर एंड. ठीक है, ये सारी सुंदर चीज़ें जो नेचर ने हमें दी हैं, ये सारी की सारी सुंदर चीज़ें जो हैं, दीज आर द इमोर्टल ड्रिंक. ये अमृत है, अमृत का एक फाउंटेन है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है. एंड कंटिन्यूसली दिस इज पोरिंग ऑन टू अस. क्या पोर हो रहा है हमारे ऊपर इससे? ब्यूटी. ओके, ये जो अमृत की जो धारा है, ये अमृत की धारा क्या चाहिए? ये थिंग ऑफ ब्यूटी है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर पोर हो रही हैं. पोर का मतलब क्या होता है? हमारे ऊपर गिर रही हैं आके. ठीक है, दीज आर फॉलिंग ऑन अस. ओके, फ्रॉम वेयर इट इज फॉलिंग ऑन अस? फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, कि जो हेवन है, ये सारी जो सुंदर चीज़ें हैं, ये जो सुंदरता है, वो सारी हमें हेवन से आती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली गिर रही हैं, आगे फॉल हो रही हैं. ये जैसे हम वो जब फाउंटेन चलाते हैं, फुव्वारा चलाते हैं, तो वो पानी जो है वो काफ़ी ऊपर तक जाता है और दूर दूर तक स्प्रेड होता है, सबके ऊपर गिरता रहता है. तो लाइक दैट, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हेवन से एक फाउंटेन चलाया गया है अमृत का. ये अमृत क्या है? दिस ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ऊपर आके गिर रही हैं. सो दीज आर द थिंग ऑफ ब्यूटी. सो ओवरऑल द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, इट नेवर एंड्स, इट ऑलवेज इंक्रीजेस एंड ऑलवेज गिव हैप्पीनेस एंड कामनेस टू द पीपल. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.